सावन का महीना जो भगवान शिव को समर्पित है, पवित्रता और आराधना का समय माना जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कौन कौन से वास्तु उपाय अपनाने चाहिए। ज्योतिष सलाहकार आलोक कुमार ने हमें दिए हैं कुछ खास टिप्स, जिन्हें अपनाकर आप भी अपने घर में सुख समृद्धि और शांति ला सकते हैं। वैसे हम आपको बता दें कि सावन का पहला सोमवार का व्रत 22 जुलाई 2024 को रखा जाएगा। सावन में कुछ विशेष सावधानियां अगर आप रखते हैं तो भगवान शिव की विशेष कृपा मिलेगी। और कहते हैं जिसके ऊपर भोले की कृपा हो गई उसको फिर सोचने की जरूरत नहीं होती। इसमें कुछ वास्तु टिप भी हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए सावन में। सावन का माह भगवान शिव को समर्पित होता है और उन्हें बेलपत्र या बेल का पौधा अत्यंत प्रिय है। वास्तु अनुसार बेल का पौधा उत्तर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। इससे भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और परिवार में दरिद्रता नहीं आती। बेल के पौधे को नियमित जल देने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्यारा होता है, तो बेलपत्र का पेड़ को सींचना, उसके बेलपत्र के पेड़ के नीचे जल देना बहुत शुभ होता है। सावन माह के तिरुदोसी और महारात्रि के दिन सुबह नहा धोकर शमी का पौधा लगाएं। इसे लगाने से पहले इसकी जड़ के नीचे एक सुपारी और एक सिक्का दबा दे। शमी का पौधा लगाने का सबसे उत्तम स्थान घर का आंगन या बालकनी होता है। शनिवार के दिन इस पौधे में छोटा सा शिवलिंग रखें और पूरे सावन में रोजाना इस शिवलिंग पर जल या दूध अर्पित करें। इस उपाय से शनि का दोष दूर होता है और भगवान शिव प्रसन्न होते हैं। आप शमी का पौधा सावन में लगा सकते हैं त्रयोदशी के दिन, प्रदोष के दिन और जो हमारा शिवरात्रि होता है, मासिक शिवरात्रि होता है सावन में, उसके दिन आप शमी का पौधा लगा सकते हैं। इससे भी घर में बरकत आएगी। घर के पूजा स्थान पर भगवान शिव या शिव परिवार की तस्वीर लगाएं। वास्तु अनुसार शिव परिवार की तस्वीर को उत्तर दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। शिव तांडव की मूर्ति और शिव जी के क्रोध वाली तस्वीर घर में ना लगाएं। सावन के महीने में शिवलिंग स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है, लेकिन इसकी दशा का भी ध्यान रखना चाहिए। शिवलिंग को हमेशा घर के ईशान कोण अर्थात उत्तर और पूर्वी के बीच की दिशा में रखें। अगर आप घर में पूजा आराधना करनी चाहते हैं और भगवान शिवलिंग की स्थापना करना चाहते हैं, वैसे लोग कहते हैं कि घर में शिवलिंग नहीं रखना चाहिए, लेकिन पारद का शिवलिंग और स्फटिक के शिवलिंग की स्थापना आप घर में कर सकते हैं और उनकी पूजा आराधना की जा सकती है। और अगर करना है तो घर के ईशान कोण में, उत्तर पूर्व के कोण में आप इनकी स्थापना करें। शिव परिवार का तस्वीर आपको दक्षिण पश्चिम के दीवार पे आपको लगाना है, जिससे आपके आपसी परिवार का संबंध और लोगों से आपके संबंध में मधुरता आएगी, उनसे भी संबंध में मधुरता आएगी जो लोग आपको सराहते नहीं हैं, क्योंकि शिव परिवार में एक अनोखी मिलन है। वहां पे बैल और बाघ दोनों एक साथ बैठते हैं, ठीक है, तो इसलिए कहने का मतलब मोर और सांप दोनों एक साथ बैठते हैं, तो कहने का मतलब यह है कि शिव परिवार का मतलब ही हो गया कि आपके रिलेशंस बहुत मजबूत हो जाएंगे, आपके समाज के हर वर्ग से आपकी बनने लगेगी। सावन के महीने में ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। इससे मन की शांति और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। घर में बैठ के मंत्रों का जाप करना चाहिए। एक माला नहीं कुछ समझ में आए तो ओम नमः शिवाय का जाप आप जो है ना कर सकते हैं। नमः शिवाय का जाप जो है ना, सांब सदा शिवाय नमः, सांब सदा शिव, सांब सदा शिवाय नमः, इस नाम का जाप जो है ना सदा करने से भगवान शिव की को बहुत खुशी मिलती है। हरे रंग का इस्तेमाल करना चाहिए, खूब हरियाली, हरे वस्त्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। सावन में लोग मेहंदी लगाती हैं, महिलाएं मेहंदी लगाती हैं, तो हरे रंग का इस्तेमाल करेंगे घर के पर्दा में, घर के कर्टन्स में अगर आप हरे रंग का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत शुभ रहेगा। इस तरह से भगवान शिव की आराधना कीजिए और नतमस्तक होके कुछ इन वास्तु टिपों का उपयोग करें, सौभाग्य प्राप्त होगा। तो ये थे कुछ वास्तु टिप्स जिन्हें अपनाकर आप भी सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव की विशेष कृपा पा सकते हैं। लोकल 18 के लिए मुजफ्फरपुर से ऋतुराज की रिपोर्ट।